नमस्कार। इस वीडियो में आज हम नेशनलिज्म वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एज यू नो दैट यू हैव टू रीड टू चैप्टर रिगार्डिंग नेशनलिज्म इन 10th क्लास, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। सो यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट वर्ड नेशनलिज्म। हिंदी में इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सो वॉट इज नेशनलिज्म? इट इज़ एन आइडियोलॉजी, यह एक विचारधारा है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियोलॉजी। दिस वर्ड इज गिवन इन योर बुक आइडियोलॉजी, यू कैन सी हियर आइडियोलॉजी। सो व्हाट इज आइडियोलॉजी? अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। सो कॉन्क्रीट आइडियाज एंड दीज आइडिया मस्ट रिफ्लेक्ट अ social and political vision which can be applied to society. So in this sense we can say that nationalism is ideology and which can be applied to society in a political sense or social sense. Moreover, nationalism is a political ideology, so it is a well developed thoughts and it can be applied to society. So it was applied. Second one, ILP. You must have respect, you must have you must be loyal. Loyalty shraddha ko bhi keh sakte hai aap ek tarah ki. Your honesty ko bhi aap keh sakte hai isme ki aap कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और कंट्री के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको भी आप क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे, उसको भी आप दरकिनार कर दोगे। दैट इज नेशनलिज्म। सो यू मस्ट बी लॉयल टू योर नेशन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर इज व्हाट इज नेशन। सो यू मस्ट नेशनलिज्म as an ideology which is associated with nation. So nation is a broader term as compared to state. A state is a political unit, while nation is a social unit. When people have bonding, people living in a particular territory and they have bonding, they create nation. Agar log kisi jagah reh rahe hain, unke upar koi ruler hai, and they are not connected and with each other and they don't have belongingness, उसे आप नेशन नहीं कहेंगे। नेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में बिलोंगिंगनेस हो, उसका बेस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, रिलीजन हो। सो दे मस्ट बी लॉयल टू ईच अदर। और ये लॉयल्टी कब आएगी? जब वो अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाएंगे, अपने आप को एक कंट्री का सिटीजन, नागरिक मानेंगे, तो उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस होगी, और ये बिलोंगिंगनेस उनकी पर्सनल आइडेंटिटी से थोड़ी अलग होगी, ये फीलिंग, ठीक है। और ये बिलोंगिंगनेस ही कंट्री को क्या करेगी, जोड़ के रखेगी। सो अब हमारी क्या डेफिनेशन हुई? इट इज़ अ आइडियोलॉजी विच बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू नेशन एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। और इसका एक दूसरा एलिमेंट है, वो है डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। अगर आपकी कंट्री में कोई दूसरा रूल कर रहा है और आप चाहते हो कि नहीं, हम खुद रूल करें वहाँ पर, तो वो भी क्या है? वो भी आपका नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। तो आप जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर चाह रहे हैं, खुद निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका नेशनलिज्म है। तो इन दैट सेंस, जैसे इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो हमारे अंदर जो भावना थी वो कैसी थी? नेशनलिज्म की थी, क्योंकि हम खुद रूल करना चाह रहे थे। तो उसका बेस ही हमारी क्या थी? ये डिज़ायर थी, और इसी डिज़ायर ने हमको एक किया। ये पैट्रियटिज्म या देशभक्ति से अलग है। देशभक्ति एक बहुत अच्छा और पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन देशभक्ति के पॉजिटिव डायमेंशन ज़्यादा है। यह आपके वैल्यू, इमोशन, लव, अफेक्शन जैसी चीज़ों पर बेस्ड है, जबकि नेशनलिज्म एक थोड़ा सा पॉलिटिकल बायस्ड कॉन्सेप्ट है, और ये यूनिटी पर फोकस करता है।
अगर हम नेशनलिज्म के नेगेटिव डायमेंशन को देखें तो नेशनलिज्म में आपके दो चीज़ें आती है। एक, आप अपनी कंट्री को दूसरे कंट्रीज से बेटर समझेंगे, किसी हद तक ये सही है, लेकिन जब इसमें हम एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर क्या हो जाएगी, जो आपके अंदर सुपीरियरिटी की फीलिंग आ जाएगी और अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए आप दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। और ये यहाँ से क्या हो गया, इस तरह का जब एलिमेंट नेशनलिज्म में आया तो इस आइडियोलॉजी ने वर्ल्ड में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट की। नेशनलिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन हम उन पर फोकस नहीं करेंगे। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जैसे बहुत किसी भी कंट्री को नेशन बनाने के लिए जो नेशनलिज्म का टाइप यूज़ किया जा रहा है वो सिविक है, क्योंकि सिटीजन बेस्ड नेशंस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज जैसी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है। लेकिन अगर हम नैरो रूप में देखें तो इसका अपोजिट जस्ट क्या है, इथनिक, कि किसी एक इथनिक या कल्चर को लेकर नेशन को बनाया जाए। सो टोटली नेशनलिज्म एक एक्ट भी है, क्योंकि ये डिज़ायर भी कर रहा है, और नेशनलिज्म आपके एक क्या है, एटीट्यूड भी है, क्योंकि ये फीलिंग और आपकी लॉयल्टी से जुड़ा हुआ है। देर इज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म गिवन इन द डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। सो आप उसे लर्न जरूर करेंगे। अगर आप इसे देखेंगे तो द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग। सो पेट्रियोटिक फीलिंग इज इन्वॉल्व इन नेशनलिज्म एंड बाई विच द पीपल ऑफ कंट्री आइडेंटिफाई देम सेल्फ विथ ईच अदर टू द प्लेस दे बिलोंग। सो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और उस प्लेस से भी जुड़े रहेंगे, एंड दे शो देयर लॉयल्टी एंड डिवोशन। सो दे मस्ट बी लॉयल एंड डिवोटेड टवर्ड्स देयर कंट्री। नई आइडियोलॉजी है, एज ये आप देखेंगे एंड ऑफ 15 सेंचुरीज में डेवलप हुई और धीरे धीरे यूरोप और फिर ये एशियन कंट्रीज़ में फैल गई। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स डेवलप हो गए, जैसे मैंने आपको बताया है ना, देयर आर मैनी फॉर्म्स, एथनिक नेशनलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म्स। तो इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। इसने नेशंस तो बनाए ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों की आइडेंटिटी को बेस्ड करके कंट्रीज़ बनाए गए या जो स्टेट है वो नेशन में क्रिएट हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया, वॉर, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोल इसका रहा, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई, लोगों को मारा गया, वो सब भी इसी नेशनलिज्म का रिजल्ट था। और इसने कॉलोनियलिज्म और इम्परियलिज्म, औपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद को भी क्या किया, बढ़ाया। सो इन ब्रॉड सेंस वी कैन से दैट नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, बट एज अ फिनोमिना इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी है, क्योंकि इसने नेशन स्टेट क्रिएट किए, लेकिन इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी आपको नज़र आएंगे, जैसे वॉर एंड अदर एट्रोसिटीज़ एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लर्न रखनी है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म। अगर हम यूरोपियन नेशनलिज्म पर फोकस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन रोमांटिसिज्म, सो आइडिया एंड इमोशंस, है ना। इथिनो लिंग्विस्ट, जो कंट्रीज़ बनाए गए वो किस पर बने, इथिनिक बेस पर बने या लैंग्वेज बेस पर बने। और जो ये आइडिया डोमिनेंट किसके बाद हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। लेकिन अगर हम एशिया में या जो इंडियन नेशनलिज्म को देखेंगे या एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म को देखेंगे तो वो बेसिकली किसी रोमांटिसिज्म या किसी लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म को हम नहीं देख रहे हैं। वो क्या है,
एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, और वो किस तरह का है, प्लूरिस्टिक इन नेचर है, मतलब सभी लोग डिफरेंट कल्चर रिलीजन लैंग्वेज के लोगों ने मिल के अपने आप को एक करने की कोशिश की। तो दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या बन रहे हैं जो मोनार्क है, मोनार्कीज है, ये एंटी मोनार्कियल मूवमेंट था एक तरह का आप देखेंगे, और ये मोनार्कीज टूटी और एक तरह से स्टेट और उससे क्या बने, फिर नेशन स्टेट बने। जबकि हमारे यहाँ पर हमारी डिमांड क्या थी कि हमें सॉवरेन स्टेट बनाने थे, और अल्टीमेटली वहाँ पे भी नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, लेकिन वो एक अलग तरह का सिविक नेशनलिज्म था, क्योंकि वहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, प्लूरिस्टिक आइडेंटिटीज ज़्यादा होगी, पीपल्स अपने एक लॉन्ग प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, मतलब एक ही जगह पे लोग रह रहे थे, पहले वो एक साथ थे लेकिन बाद में वो एक दूसरे से हॉस्टाइल हो गए कि नहीं हम, आप अलग है हम अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हम, हमारे यहाँ पे एक आउटर बॉडी आई, या आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखेंगे, एशियन कंट्रीज में देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई, चाहे वो अंग्रेज़ है पोर्तुगीज़ है, उनके अगेंस्ट में, चाहे वो फ्रेंच है, उनके अगेंस्ट में लोगों ने स्ट्रगल किया, और इस स्ट्रगल में उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, एक कर दिया। तो यहाँ नेशनलिज्म स्ट्रगल से इमर्ज हुआ, और यहाँ एक प्रोसेस से। फिर आप देखेंगे कि उस नेशनलिज्म को उन्होंने फॉर्स करने के लिए सिंबल्स बनाए, आइकॉन्स बनाए, सॉन्ग्स, आइडियाज़, और फिर नेशनलिज्म इमर्ज होने के बाद में वहाँ पे छोटी छोटी जो कंट्रीज़ है यूरोप में इमर्ज हुई, और हमारे यहाँ पे द सेंस ऑफ बींग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रूव्ड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। हम सब किसी एक ग्रुप से ऑप्रेस्ड थे, हमको किसी एक पार्टी ने सताया था, और इस कारण हम सब लोग एक हुए, और बाद में हमारे यहाँ पर ये सारे सिंबल्स आइकॉन्स वगैरह यूज़ किए गए। अगर इंडियन नेशनलिज्म में देखा जाए तो इनिशियली हम क्या देखेंगे, लोगों की अलग अलग फ्रीडम को लेके राय थी, सबके लिए फ्रीडम का अलग अलग मतलब था, किसानों के लिए रेवेन्यू से रिलेटेड मतलब था, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस था, पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने अपनी कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है वो गेन की, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल महात्मा गांधी का भी है, क्योंकि उन्होंने मास मूवमेंट चलाए, बहुत सारे लोगों को एक किया, अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोगों को एक करके जो इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसको मैच्योर किया। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेशनलिज्म की एक खुद डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन, नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डिजायर्स ऑफ पीपल, है ना, टू गेन इंडिपेंडेंस। सो आप इसको थोड़ा सा ऐड करके एक परफेक्ट डेफिनेशन बना के लिखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।